माँ माँ खुशखबरी है। खुशखबरी? हाँ। वो जल्दी बता पुत्र, की खुशखबरी है? अरे माँ, कल देविका के भाई की शादी है और उसी शादी में मेरा और देविका का रोका है ना खुशखबरी। लेकिन पुत्र, इतने कम समय में कैसे करेंगे हम ये सब? और फिर इन्हें जल्दी भी की है, और वैसे भी ना श्वेता दामाद जी के साथ कितने बाहर जा रही है, और तेरी चाची भी कटरा गई हुई है। वो सब मैं नहीं जानता। कल मैं रोके वास्ते जा रहा हूँ, और जिन्हें आना आए, जिन्हें नहीं आना है पहाड़ में जाए। ये मेरा आखिरी फैसला है, और उस लड़की से जल्द शादी करने वाला हूँ। जितनी जल्दी आप ये बात समझे अच्छा है। समझ गए ना आप? सब भी समझ गए ना? अगर तुझे साकेत सही में पसंद नहीं है तो तू उसे बता देना। कभी कभी तो मुझे लगता है कि काश मैं वो जॉब छोड़ती ही ना उस लड़के को लेकर। और वैसे भी अब इतना टाइम का है कि मैं उसे ढूंढती फिर। ये तो टेंशन मत ले। मैं कैसे भूल गया कि दो झगड़ा है? माँ से जिसने पैसों को लेकर झगड़ा किया था, इतनी लड़ाई की थी, वो बूढ़ी औरत ही रहती है। अगर उसे मालूम होगा कि मैं कौन हूँ तो मेरी हेल्प करना तो जरूर ही तमाशा खड़ा कर देगी फिर से। दुपट्टा गिर गया, मैं लेकर आती हूँ। दी रुक, मैं भी आती हूँ। साकेत जी कहाँ पर हैं? अरे वाह, तुमने तो मेरे मन की आवाज सुन ली। तुम्हें एक कॉल करने वाला था। मुझे? क्यों? इनवाइट करने के लिए। इनवाइट किस लिए? कोई फंक्शन है क्या? कल मेरा और देविका का रोका है, तुम्हें आना है। लेकिन इस वक्त तुम यहाँ सब ठीक है ना? कुछ काम था? कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी अब बहुत देर हो चुकी है। देर हो चुकी है? पहलियों में क्यों बात कर रहे हो? क्या हो बताओ? कुछ है नहीं बताने को। एनीवेज, मुबारक हो, फाइनली आपकी शादी हो रही है। कल मिलते हैं। थैंक यू, आ जाना मुझे टाइम पे। लेकिन आया किस लिए था वो लड़की यहाँ कैसे? वो बहुत ही खास है, वो बहुत जल्द उससे शादी करने वाला। बस 3 दिन दिए मेरी दादी ने मुझे जॉब ढूंढने के लिए, और अगर इन 3 दिनों में मुझे जॉब नहीं मिली ना तो मेरे सारे सपने टूट जाएंगे हमेशा के लिए। आज वो इतनी बड़ी मुसीबत में है तो सिर्फ मेरी वजह से। अगर उसने मेरी मदद ना की होती, मेरे लिए सेक्रीफाइस ना किया होता, तो अपने सारे सपने पूरे कर पाती। शी वुड बी सो हैप्पी, लाइफ बन सकती थी उसकी। देविका की सारी खुशियाँ मेरे कारण छिन गई हैं, और साकेत से शादी करके तो जिंदगी नरक बन जाएगी उसकी। सारा दोष मेरा है। उसकी लाइफ में जो कुछ भी गलत हो रहा है उसका जिम्मेदार मैं ही हूँ। और अब साकेत से उसकी शादी होने वाली है, कैसे होने दूं मैं शादी? उसने मुझ पर इतना बड़ा एहसान किया है और कभी जताया भी नहीं। यार रवि, दिस गर्ल इज समथिंग एल्स, सबसे अनोखी है ये। उसे मैं साकेत जैसे शैतान के हाथों कैसे लगने दूं? काश काश मैं वक्त को पीछे ले जा सकता, काश उसकी सारी खुशियां उसको वापस लौटा सकता। इतने सारे फूल खरीद लिए, चाची खुश हो जाएंगी, वैसे उन्हें फूल इतने पसंद है। बहुत मिस किया मैं। हमें चुटकी दो तो नहीं ला दो, चुप हो जा।
चुप हो जाए। चाची आप ऐसे क्यों करते हैं मेरे साथ? मैंने ऐसा क्या किया? क्या मैं इतनी बुरी हूँ कि वो एक बार मुझसे बात तक नहीं करते, एक बार नजर उठा के मुझे देखते तक नहीं है? मुझे समझ नहीं आता मैं उनसे ऐसा क्या कहूँ, क्या करूँ कि वो मुझसे बात करने लगे। कभी कभी तो मुझे लगता है कि मैं उनकी बेटी हुई नहीं। ऐसा क्या गुनाह कर दिया है मैंने कि वो मुझसे इतनी नफरत करते हैं? नहीं लाडू, रोते नहीं, तेरी कोई गलती नहीं है और तूने कुछ भी नहीं किया। उस रात जो कुछ भी हुआ था उसकी दोषी तू नहीं है। उस रात तो तेरा जन्म हुआ था, तो तुझे कैसे पता होगा उसी रात को कितना बड़ा अनर्थ हुआ। क्या हुआ था चाची, मुझे बताओ, मैं जानना चाहती हूँ ऐसा क्या है। वो चुटकी रेखा, आपने बुलाया? चलो मेरे साथ। लेकिन चलो तो सही, कहाँ लेकर जा रहे? ये क्या करने जा रही थी तू? उस रात की बात करने जा रही थी जब प्रियंका का जन्म हुआ? तुम्हें अच्छे से बताया कि उस रात जो भी हुआ उसके बारे में बात तो क्या? उसकी सोच भी लाना अपने दिमाग में, इस घर में मना है, पता है ना? फिर भी तुम अपना मुंह बंद नहीं रख सकती। सुनिए जी, चुटकी अभी छोटी नहीं रही, बड़ी हो गई है वो, और अब उसे ये जानने का पूरा हक बनता कि उसके जन्म के वक्त क्या हुआ था। आपने भी देखा है जेठ जी जब उसके सामने आते हैं या उससे बात करते हैं, इस तरीके से उसके साथ पेश आते हैं, उसके मन में भी 100 सवाल उठते होंगे। बिन माँ की बेटी है, क्या वो अपने पिता से प्यार की उम्मीद नहीं करेगी? इस सच्चाई से ज्यादा ये सवाल उसके दिमाग में घर करके बैठा होगा। चुप कर जा रेखा रानी, अपना ज्ञान अपने पास ही रख। खबरदार जब तूने देविका को उस रात के बारे में बताया तो, तुझे आखिरी वार्निंग दे रही हूँ, उसे इस बारे में कुछ पता नहीं चलना चाहिए। बहुत समझ में आ गई तेरे? चलो भैया। ये चाची क्या बताने जा रही थी मुझे? ऐसा क्या हो गया था मेरे जन्म के वक्त? और जो भी हुआ था क्या उसका असर है मेरे पापा पर, जो मेरी तरफ उनका रवैया इतना रूखा है? मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हैं मेरे पापा? आखिर ऐसा क्या हुआ था? ये कलर तुम पे अच्छा जच रहा है, ठा लग रही हो तुम। क्या हो गया, तुम उदास लग रही हो? क्योंकि नौकरी नहीं मिली इसलिए? लेकिन उदास होने की क्या जरूरत है, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। अरे जिंदगी की सबसे बड़ी जीत हासिल की है तुमने, मैं मिला ना तुम्हें। मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूं, एक मिनट, ये लो मोबाइल फोन है, तुम्हें इसकी जरूरत थी ना? वैसे भी रोका और शादी के बीच में कितने सारे फंक्शन है, कितने सारे रिश्तेदार होंगे, बात करने का मौका नहीं मिलेगा हमें। रात को जब तुम अकेली हो और आशिक मुशिक की लवी डवी बातें करने का मन करे तो मैं तुम्हारे फोन का इंतजार करूंगा। अरे इतना क्या सोच रही हो? वो एक मिनट। अरे माता जी, होने वाले जो भाई जी, आप जिंदे फंसते रहो, आप कब बता रहे अभी और खड़े क्यों है? बैठाया नहीं तुमने? आ जाओ बैठो जी बैठो। वो मैं कैसे सुनते हो, देखो तो सही कौन आया। बैठो पुत्र, और सब राजी बाजी? हाँ सब ठीक ठाक। पुत्र जी, वो इनकी क्या जरूरत थी, इतनी सारी गिफ्ट है। वो लगता है आप भूल गए हो कि रोक का कल है, आज नहीं तभी तो इतनी सारी गिफ्ट है। ओ जी नहीं जी नहीं, ये रोके वास्ते नहीं है, मैं तो यहीं आ रहा था, सोचा खाली हाथ कैसे आऊं, इसीलिए आया। मैं तो आपके पोते की शादी में मदद करने आया। अरे अब तो मैं आपके परिवार का हिस्सा हूँ, मेरे साले साहब की शादी है, आप बस हुक्म कीजिए, कुछ काम हो बंदा हाजिर है। बस बस पुत्र, बड़ी मेहरबानी जी, उन्हें बस दे रहो। माता जी का श्रृंगार का और पूजा का सामान मिलायो, भाई माता रानी तो प्रसन्न हो जाएंगी। देखा कैसा हीरा लड़का चुना है मैंने देविका के वास्ते, और मुझे तो लगता है कि मेरी अब तक की जिंदगी का तो बेस्ट फैसला है। आप ये सामान ना अंदर रखो। पुत्र जी मैं आपके लिए ना चाय पानी का बंदोबस्त करती हूँ, बस अभी आती हूँ। और रेखा रानी, मैं
अरे राजी मैं हूं ना, मैं मदद करता हूँ।